हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में हमारे कंट्री में क्या है कि हम कोरोना वायरस से कैसे काउंटर करें, है ना। तो कोरोना वायरस से काउंटर करेंगे हम और जीतेंगे हम, बिकॉज वी आर इंडियंस। सो आज एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत टाइम से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, सर हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है बिजनेस स्टडीज की, क्लास ट्वेल्थ के लिए बेसिकली, तो हम क्या करें, है ना, कब से स्टडी स्टार्ट करें, कब से प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करें, मतलब कुछ भी आइडिया जो है वो नहीं लग रहा था। सो उनके लिए आज एक छोटी सी वीडियो मैं लेके आया हूं। सो वो वीडियो का बेसिक है कि हम बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कैसे करें। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि एग्जाम जो है कब से स्टार्ट होंगे, सिचुएशन के ऊपर है, सिचुएशन कब नॉर्मल होती है, ठीक है, और नॉर्मेलिटी कब होगी ये किसी को कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। सो उस लिहाज से मेरे को लग रहा है ऐसा कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कैसे करनी है फटाफट से बता देता हूं। चैनल पे न्यू है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी नए बच्चों के लिए जो इस साल ट्वेल्थ में हुए हैं या जिन्होंने ट्वेल्थ में भी होना है। सो ट्वेल्थ वाले बच्चों, जिन्होंने ट्वेल्थ में होना है, जिन्होंने इलेवंथ के एग्जाम्स दिए हैं, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, उनके एग्जाम के बिना ही उनको ट्वेल्थ में प्रमोट कर दिया जाएगा, ये कन्फर्म्ड है, ठीक है। सो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स में से मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। तो ये क्लास ट्वेल्थ के लिए जो अभी प्रेजेंटली एग्जाम्स में अपीयर हो रही है और उनके बिजनेस स्टडीज का ये शेड्यूल है कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन गेट 95% मार्क्स। पेपर होगा, कभी भी हो सकता है, सो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आज है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आपका चैप्टर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने पार्ट बी से शुरू इसलिए किया बिकॉज पार्ट बी जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो पार्ट बी को पहले निपटा लो, उसके बाद जब मर्जी पेपर हो जाए हमें कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए। सो 1 अप्रैल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब चैप्टर जो है मैं पूरा लिख रहा हूं, इसके साथ आपने इसके केस स्टडीज भी करने हैं, कंसेप्ट भी रीड करने हैं। सो पहले कंसेप्ट रीड करो, केस स्टडीज जो है ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी। देन इसके बाद 2 अप्रैल आएगा, आप कल का दिन जो आपने फाइनेंशियल मार्केट के लिए निकालना है। फाइनेंशियल मार्केट इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सो फाइनेंशियल मार्केट कल के लिए। फिर इसके बाद 3 अप्रैल आएगी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है आपने करना है द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो 3 अप्रैल को मार्केटिंग मैनेजमेंट मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल नहीं कह सकते, लेंथी है, 10 नंबर का पेपर इसमें से आपको कवर होगा। फिर उसके बाद 4 अप्रैल बहुत इजी चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैंने हर एक चैप्टर को एक एक दिन दिया है, तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से एक एक दिन जो है बहुत सफिशिएंट है एक चैप्टर के लिए, राइट। फिर इसके बाद हम 5 अप्रैल से करेंगे पार्ट ए स्टार्ट। पार्ट ए तो बहुत ईजी है, मेरे को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगती इसमें, सिर्फ 1-2 चैप्टर है जो ज्यादा मुश्किल है। तो 5 अप्रैल को आपने करना है 1 चैप्टर मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर। अब इसमें आपने इंक्लूड करना है किसको, कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेशन साथ में जरूर करना है। 6 अप्रैल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने फ्यूल के और टेलर के प्रिंसिपल जरूर करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इमीडिएटली विल गेट द पीडीएफ। 7 अप्रैल को आप करोगे बिजनेस एनवायरमेंट, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकलिटीज हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल को आपने करना है प्लानिंग, ठीक है। सो प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन 9 अप्रैल इसके बाद आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग को आपने कब करना है 9 अप्रैल को, ठीक। फिर उसके बाद आप 10 अप्रैल को करोगे स्टाफिंग, बहुत ईजी चैप्टर है ये, जिसमें आपने वो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करने हैं, 2 तरह के सोर्सेज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके बाद 11 अप्रैल को आप करोगे डायरेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टफ, लिटिल बिट टफ, क्योंकि लेंथी बहुत है, मुश्किल थोड़ी सी आएगी आपको इसमें। सो आप करोगे, अब पूरा दिन है 11 अप्रैल का, सफिशियंट है। उसके बाद 12 अप्रैल को आप करोगे कंट्रोलिंग, ठीक है जी। मतलब कहने का कि 12 दिन में हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सीबीएसई 15 अप्रैल को पेपर ले भी ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। 13th और 14th आपके पास रिवीजन के लिए है, तो आप रिवीजन करो 2 दिन और 15 अप्रैल को पेपर के लिए तैयार हो जाओ। इन केस 15 अप्रैल को पेपर नहीं होता, मतलब पेपर जो है वो 25 तक आगे एक्सटेंड हो जाता है या लॉकडाउन आगे एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यही सारा शेड्यूल जो है 13 अप्रैल, क्योंकि देखो आपको 13 अप्रैल से पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका कि लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। सो 13 अप्रैल से आप रिविजन नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, 13 अप्रैल से वही दोबारा से शेड्यूल जो
हमने स्टार्ट किया था यहां से 1 अप्रैल से, यही आप दोबारा से क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन पक्की हो जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं, यू विल गेट 100% मार्क्स। ठीक है, यू विल गेट 100% मार्क्स फॉर श्योर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो इतनी पक्की प्रिपरेशन कर लो, भगवान ने आपको टाइम दिया है, सो घबराओ नहीं, आपका रिजल्ट आपको पूरे टाइम पे मिलेगा, आपको नया सेशन जो है आपके कॉलेजेस में बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होंगे। सो भगवान से प्रे करो कि सारा कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाए और हम फटाफट से अपना नया सेशन जो है वो शुरू कर सकें और नई नई क्लासेस में जा सकें। थैंक यू, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों के साथ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, घर में रहें, सेफ रहें, थैंक यू सो मच।